दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है लगातार वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर ईडी को लगी है सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को दो टूक, भय का माहौल ना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह भय का माहौल ना बनाए। बताते चले, लगातार विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा अपना राजनीतिक प्रतिशोध पूरा करने के लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि प्रदेश में आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को धमकी दी गई है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को शराब अनियमितता केस में फंसाया जा सकता है, इसलिए उन पर दबाव बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने ईडी की शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करके सीधे तौर पर ईडी को लताड़ा है और यहां पर निर्देश जारी कर दिया है। ये इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार की कहें तो एक तरह से बड़ी जीत है, सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों ईडी को भी निर्देश मिल गया है कि भय का माहौल ना बनाया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।